स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में। मैं आपको दोस्त सांटो रहा। आज हम लोग क्लास 10 के साइंस के बुक से एक चैप्टर पढ़ेंगे जो कि हम लोगों का इलेक्ट्रिसिटी। आज किसी वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसमें देखेंगे कौन कौन से और फॉर्मूले भी आते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि चार्ज क्या होता है और वह कितने तरह का होता है। तो देखिए जो चार्ज होता है ना आप लोगों का, वह एक सब किसी भी सब्सटेंस का एक प्रॉपर्टी है जो कि हो सकता है वो अट्रैक्टिव नेचर का हो या फिर हो सकता है वो रिपल्सिव नेचर का हो, तो उसी को हम लोग चार्ज कहते हैं। ओके अब चलिए आगे। अब देखिए जो चार्ज होता है वो कितने तरह का होता है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, यानी कि जो हमारे चार्जेस होते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहला हम लोग का कौन सा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, एंड दूसरा हम लोग का होता है निगेटिव चार्ज होता है। ओके यहाँ तक आप लोग समझिए। अब चलिए हम लोग चलते हैं और आगे। अब देखिए सम चार्जेस रिपेयर इच अदर, इसका क्या मतलब। कुछ चार्ज ऐसी होती हैं जो कि एक दूसरे को अपने से दूर भेजती हैं, यानी एक दूसरे को अपने से दूर ढकेलती हैं, ऐसा भी आप लोग कह सकते हैं। ओके और देखिए एंड डिफरेंट चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर। ओके और देखिए कुछ चार्जेस ऐसी होती हैं जो कि अलग अलग होती हैं और वे एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। ओके अब चलिए एग्जाम्पल्स इसे समझते हैं। जैसे देखिए अगर आपका पॉजिटिव और पॉजिटिव दो चार्जें एक साथ आएंगे तो ये एक साथ अट्रैक्ट नहीं होंगे, ये एक साथ रिपल्सिव होंगे, यानी एक दूसरे से दूर जाएंगे। ओके और चलिए आगे। अब देखिए अगर आपका एक चार्ज निगेटिव हो और एक चार्ज और निगेटिव हो, यानी कि दो चार्ज आपका अगर निगेटिव हो, अगर उनको आप लोग एक साथ लाने की कोशिश करेंगे तो वह कभी भी एक साथ नहीं आएंगे, वे दोनों भी अपने से दूर भागने की कोशिश करेंगे। ओके और आइए अब चलिए और आगे। अब देखिए एक चार्ज आपने पॉजिटिव लिया और एक चार्ज आपने निगेटिव लिया। ओके अब देखिए इन दोनों को जब आप लोग पास लाने की कोशिश करेंगे तो ये दोनों क्या होते हैं, अट्रैक्टिव नेचर के होते हैं और ये दोनों एक दूसरे से चिपक जाएंगे। ओके और देखिए एक और देखिए अगर आप लोग निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज इन दोनों को भी एक साथ लाएंगे तो ये दोनों भी अट्रैक्टिव नेचर के होते हैं, ये दोनों भी एक साथ आके एक दूसरे से चिपक जाएंगे। ओके ये है इस लाइन का स्टेटमेंट, यानी इस लाइन का मतलब यही कहता है। ओके और चलिए हम और आगे चलते हैं। अब देखिए ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, अब चलिए बात करते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट जो होता है चार्ज वह क्या होता है। तो वह हमारा होता है कूलम, ठीक है, जिसे हम लोग कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके और चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए अब बात करते हैं जो कूलम होता है इसका ऐसा यूनिट चार्ज का, वन कूलम का मतलब क्या होता है। तो देखिए एक कूलम का मतलब होता है उसमें 6.24 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। ओके और चलिए हम लोग और आगे चलते हैं। अब देखिए अब बात करते हैं एन इलेक्ट्रॉन। अब समझिए हम लोग जानते हैं कि तीन तरह के चार्जेस होते हैं, पहला होता है प्रोटॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन और तीसरा होता है न्यूट्रॉन। अब देखिए जो प्रोटॉन होता है उसमें हम लोग का क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है वह नेगेटिव चार्ज होता है, और जो न्यूट्रॉन होता है हम लोग का उसमें कोई चार्ज नहीं होता है। ओके तो देखिए एन इलेक्ट्रॉन यानी कि इसमें क्या होगा, हम लोगों का निगेटिव चार्ज होगा, एन इलेक्ट्रॉन हैज निगेटिव चार्ज, देखिए लिखा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन होता है उसमें क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। अब चलिए अब इस पे जो निगेटिव चार्ज होता है उसका वैल्यू क्या होता है। तो देखिए 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम के बराबर होता है एक इलेक्ट्रॉन का निगेटिव चार्ज। ओके अब चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। अब चलिए अब देखिए अगला टॉपिक हम लोग आ जाता है इलेक्ट्रिक करंट। अब चलिए हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट में कौन कौन से टॉपिक आ जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग का क्या जाता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, यानी कि जो आप लोगों का चार्ज है उसके रेट को, जो रेट होता है उसका फ्लो करने का, उसको हम लोग क्या कहते हैं, करंट कहते हैं, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं कि करंट बनता कैसे है। तो देखिए मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेक्स करंट, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जब वे मूव करना शुरू करते हैं तो वे करंट बनाना शुरू करते हैं। ओके और चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या आता है, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी कि आप लोगों के जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसमें द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अब देखिए जो डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक करंट का इज टेकन एज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसका क्या मतलब, हम लोगों को लेना है किसके द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रॉन का फ्लो करने का उसके अपोजिट लेना है, इसका क्या मतलब आप चलिए हम लोग समझते हैं। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, मीन्स इफ इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग, अब देखिए जो आपका इलेक्ट्रॉन से वह घूम रहा है किस डायरेक्शन, अगर लेफ्ट डायरेक्शन में घूम रहा है तो उससे हम लोग देन करंट इज मूविंग इन राइट डायरेक्शन, देन तब जो करंट होगा वह कहाँ मूव करेगा, देन वह राइट डायरेक्शन में मूव करेगा। अब देखिए मीन्स इलेक्ट्रॉन्स अगर आपका लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे कि वह राइट डायरेक्शन में मूव करेगा। ये क्यों हो रहा है, ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कन्वेंशनल करंट फ्लो कहते हैं। अब चलिए हम लोग इस डायग्राम की मदद से समझते हैं। तो देखिए इस डायग्राम में आपको एक सेल लेना है जो कि 1.5 वोल्ट का होना चाहिए और यहाँ पर ऊपर वाले में पॉजिटिव चार्ज होता है नेगेटिव और नीचे वाले में नेगेटिव चार्ज होता है। ओके और देखिए फिर हम लोगों का यहाँ पे एक फिलामेंट यानी एक बल्ब लगा देना है। ओके ये आप लोगों का डायग्राम हो गया। अब देखिए अब आप लोग जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स यानी जो नेगेटिव चार्ज हो, ये देखिए ये इस तरीके से ऊपर जा जाके ऐसे 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 फ्लो कर रही हैं। ओके तो देखिए कन्वेंशनल करंट क्या कहता है, जो आपका इलेक्ट्रॉन्स है यदि ये देखिए ये कहाँ मूव कर रहा है, हम लोगों का ये राइट डायरेक्शन मूव कर रहा है, तो ये देखिए जो कन्वेंशनल करंट है या इसके अपोजिट मूव करता है, तो ये ऐसे 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 मूव करेगा। ओके तो यही हम लोग को कह रहा है कि जब आपका इलेक्ट्रॉन अगर मान लीजिए वो राइट डायरेक्शन मूव करेगा तो जो आपका कन्वेंशनल करंट होगा वो लेफ्ट डायरेक्शन मूव करेगा, और यदि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो अगर लेफ्ट डायरेक्शन मूव करेगा तो जो आपका कन्वेंशनल करंट है वो आपका राइट डायरेक्शन से मूव करेगा। ओके अब चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अब देखिए हम लोग को जो इलेक्ट्रिक करंट है उसमें हमारे कुछ और टॉपिक आ जाते हैं, जिसमें पहला टॉपिक अब हम लोग को अगला टॉपिक आ जाता है, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज एम्पीयर,
एम्पियर। ओके, यानी क्या मतलब, जो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट होता है उसे हम लोग एम्पियर कहते हैं। ये हम लोग कहोगे अगला टॉपिक। अब देखिए इसके बाद हम लोग का क्या आता है, अब इतना आप लोग पढ़ने के बाद हम लोग एक फॉर्मूला निकल जाता है, आई इज इक्वल टू क्यू अपन टी। अब देखिए आई का मतलब है यहाँ पे करंट, क्यू का मतलब यहाँ पे चार्ज, एंड टी का मतलब हम लोगों का टाइम। ओके, और चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए अब बात करते हैं कि जो आप लोगों का इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट होता है वो एम्पियर होता है। अब चलिए बात करते हैं आप लोग एम्पियर को डिफाइन कैसे करेंगे। तो देखिए वन एम्पियर करंट मे बी डिफाइन, वन एम्पियर करंट को आप लोग डिफाइन कर सकते हैं कैसे, द फ्लो ऑफ वन कूलम ऑफ चार्ज पर सेकंड, यानी कि जो आप लोगों का फ्लो होता है एक कूलम चार्ज का हर सेकंड, उसी को हम लोग वन एम्पियर कहते हैं। ओके, और चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए करंट इज मेजर्ड बाई एमीमीटर। अब चलिए बात करते हैं जो करंट होता है उसको हम लोग मेजर कैसे करते हैं। तो एक डिवाइस है एमीमीटर, उसकी मदद से हम लोग करंट को मेजर करते हैं। ओके, अब देखिए जो आपका एमीमीटर होता है, एमीमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी कि जो आपका एमीमीटर होता है वो हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, आप लोगों का कनेक्ट होता है। ओके, अब चलिए अब देखिए यह आप लोगों का एक डायग्राम है जिसमें एमीमीटर आप लोगों को दिखाया गया है। तो देखिए आप लोगों का यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे निगेटिव चार्ज, ये आप लोगों का क्या एक सेल यानी एक बैटरी है। और देखिए यहाँ से आपका चार्ज फ्लो करेगा और यहाँ बल्ब के पास पहुँचा, बल्ब के पास ये देखिए यहाँ पे आपका एमीमीटर लगा हुआ है। एमीमीटर क्या करेगा, आप लोगों का जो करंट है उसको मेजर करेगा। ओके, अब चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अब देखिए अगला टॉपिक हम लोग का आता है इलेक्ट्रिक सर्किट। अब चलिए हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या होता है। तो देखिए क्लोज पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। इसका क्या मतलब, जो आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है उसका जो क्लोज पार्ट होता है उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। ओके, अब चलिए आगे चलते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि जो आप लोगों का सर्किट होता है अगर वो कहीं से टूटा होगा तब क्या होगा। तो देखिए इफ द सर्किट इज ब्रोकन एनी वेयर द करंट स्टॉप फ्लोइंग, यानी कि अगर आपका सर्किट कहीं से टूटा हुआ रहेगा तो जो आपका करंट है वो रुक जाएगा, वह फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, अब चलिए और आगे चलते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रिसिटी फ्लो इन दिस सर्किट। अब चलिए बात करते हैं जो आप लोगों का इलेक्ट्रिसिटी है वह सर्किट में फ्लो कैसे करते हैं। तो देखिए फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, यानी कि यह आपके पॉजिटिव टर्मिनल सेल से नेगेटिव टर्मिनल सेल तक फ्लो करता है। ओके, अब देखिए इस डायग्राम के मदद से हम समझते हैं। ये देखिए ये आप लोग इलेक्ट्रिक सर्किट का एक प्रॉपर डायग्राम। अब देखिए इसमें आप लोग एक ड्राई साइड है, इधर नेगेटिव चार्ज, इधर आपका पॉजिटिव चार्ज। ओके, और देखिए अब ये आपका फ्लो करेगा कहाँ से, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो इन दिस सर्किट फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल, यानी इस टर्मिनल से ये फ्लो करेगा और ये देखिए लाइट बल्ब यहाँ पे है और ये फ्लो करते हैं। ये देखिए हम लोग का क्या वायर है। ओके, और देखिए इसमें हम लोग एक स्विच होता है ऑन ऑफ करने के लिए। ओके, ये आप लोगों का इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक पर। तो देखिए हमारा अगला टॉपिक आ जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब चलिए इसे हम लोग समझते हैं होता क्या है। तो देखिए द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, अब चलिए इसका मतलब हम लोग समझते हैं। तो देखिए एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन किया गया, जो यानी जो काम किया गया, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। ओके, अब चलिए हम लोग और आगे चलते हैं। अब देखिए इसका अगला क्या है, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब चलिए बात करते हैं कि इसका ऐसा यूनिट क्या होता है। तो इसका ऐसा यूनिट हम लोग क्या होता है, वोल्टेज होता है। ओके, अब चलिए और आगे। तो देखिए अब पॉजिटिव चार्ज, अब चलिए बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो आपका पॉजिटिव चार्ज होता है वह कहाँ मूव करता है। तो जो आपका पॉजिटिव चार्ज होता है मूव करता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ओके, अब चलिए वेयर इज, अब चलिए बात करते हैं जो आपका इलेक्ट्रॉन्स होता है, इलेक्ट्रॉन्स यानी नेगेटिव चार्ज, ये कहाँ फ्लो करता है। तो ये फ्लो करता है लोअर टू हायर पोटेंशियल। ओके, अब चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अब चलिए बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। अब चलिए मैं आपको इसको समझाता हूँ कुछ एग्जांपल से, जैसे कि सेल या बैटरी। अब देखिए सेल या बैटरी कहाँ किस में होता है, हम लोग घड़ी के पीछे जो बैटरी लगाते हैं वो हो गया स्मार्टफोन में, लैपटॉप में, या आपके ये टीवी के रिमोट में जो बैटरी लगी होती है उसी को हम लोग सेल या बैटरी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जो उसकी पावर होती है उसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अब समझिए कैसे, जैसे एग्जांपल लीजिए अपने टीवी रिमोट का जो सेल होता है कुछ दिन यूज करने के बाद खत्म हो जाता है, यानी उसका क्या मतलब हुआ, यानी जो उसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है वह कम हो गया है। अब देखिए इसका मतलब क्या निकल, यानी जो सेल और बैटरी होता है उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वह ज़्यादा होता है, लेकिन उसे यूज करने पर पोटेंशियल डिफरेंस कम होता जाता है, किसके साथ, समय के साथ। ओके, ये था आप लोगों का पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। अब चलिए हम लोग चलते हैं इसके आगे वाले टॉपिक। अब चलिए बात करते हैं आप लोग एग्जाम में पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन कैसे करेंगे। तो देखिए द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन अ ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ये आप लोग एग्जाम में ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। अब इसका मतलब आप लोग समझिए, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में लाने के लिए जो काम किया जाता है उसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ओके, अब चलिए आगे चलते हैं। अब चलिए बात करते हैं जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे हम लोग क्रिएट कैसे करते हैं। तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस इज क्रिएटेड बाय सेल और अ बैटरी, यानी कि जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे हम लोग सेल या बैटरी की मदद से क्रिएट करते हैं। ओके, और आगे चलिए। अब देखिए इस डिफिनेशन से आप लोगों को एक फॉर्मूला निकला जो कि वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। अब देखिए जहां पे जो वी है उसका मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस, डब्ल्यू का मतलब यहां पे वर्क डन, एंड क्यू का मतलब यहां पे है चार्ज। ओके, और चलिए आगे। अब चलिए बात करते हैं कि जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, यानी इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट उसका क्या होता है। तो देखिए ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट, यानी जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसका ऐसा यूनिट होता है वोल्ट, जिसे हम लोग कैपिटल वी से डिनोट करते हैं। ओके, और आगे चलिए। अब देखिए जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे हम लोग मेजर करते हैं किससे, वोल्ट मीटर से। ओके, अब देखिए जो आपका वोल्ट मीटर होता है वह हमेशा कनेक्टेड रहता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ओके, ये था आप लोगों का
पोटेंशियल डिफरेंस का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अब चलिए बात करते हैं कि आप लोग सर्किट डायग्राम को बनाएंगे कैसे। तो इसके लिए आपको कुछ कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ेंगे, जो कि एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंटेन्स अ सेल और बैटरी कनेक्टिंग वायर्स प्लग की एंड इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। यानी कि आपको एक बैटरी की जरूरत पड़ेगी, एक कनेक्टिंग वायर्स की जरूरत पड़ेगी और कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ेगी। ओके, अब चलिए बात करते हैं कि जो सर्किट डायग्राम होता है कितने तरह का हो सकता है। आप लोग जो सर्किट डायग्राम आप लोग दो तरह का बना सकते हैं, पहला ओपन सर्किट डायग्राम एंड दूसरा हम लोग का क्लोज सर्किट डायग्राम। अब देखिए, जो आपका ओपन सर्किट डायग्राम होता है उसमें जो आप लोग का स्विच होता है वह आप लोगों का कनेक्ट नहीं होता है दूसरे वाले तार से या दूसरे वाले वायर से। और देखिए, जो आप लोग का क्लोज सर्किट डायग्राम होता है उसमें जो आपका स्विच होता है वो कनेक्ट होता है दोनों वायर से। ओके, तो ये था आप लोगों का क्या ओपन सर्किट डायग्राम एंड ये था आप लोगों का क्लोज सर्किट डायग्राम। अब चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले टॉपिक। अब चलिए बात करते हैं जो आपका सर्किट डायग्राम है उसमें कुछ कुछ सिंबल्स होते हैं। अब चलिए हम लोग उसे भी समझ लेते हैं। तो देखिए, हमारा सबसे पहला सिंबल होता है रेसिस्टर का। रेसिस्टर का सिंबल कुछ इस तरीके से, पहले एक पहले आप रेक्टेंगल बना लीजिएगा और दोनों तरफ से आप लोग एक स्ट्रेट लाइन खींच दीजिएगा। अब देखिए, ये जो सिंबल है ये आप लोगों का यूरोप में यूज किया जाता है। ओके, अब देखिए फिर आप लोग एक और सिंबल आप लोग यूज कर सकते हैं जो कि ऐसा है। एक फिर आप लोग छोटा सा स्ट्रेट लाइन खींचेगा और आप झिकझिक करके फिर आप स्ट्रेट लाइन लास्ट में खींच दीजिएगा। और ये हम लोगों का यूएसए में यूज किया जाता है। आप लोग इन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं रेसिस्टर के लिए। ओके, अब चलिए हम लोग दूसरे पे चलते हैं। अब देखिए, दूसरा हम लोग एमीमीटर। एमीमीटर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो देखिए, आप लोगों को एक सर्कल बनाना है, सर्कल के दोनों के बाहर एक स्ट्रेट लाइन खींच देना है और अंदर एक कैपिटल ए लिख देना है, और ये आप लोगों का एमीमीटर को रिप्रेजेंट करता है। ओके, अब चलिए अगले पे चलते हैं। अब चलिए बात करते हैं वोल्ट मीटर का। अब देखिए, बात करते हैं वोल्ट मीटर को आप लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो फिर आप लोग एक सर्कल बनाइएगा और दोनों तरफ एक स्ट्रेट लाइन खींच दीजिएगा इसकी तरह, और अंदर आप लोग लिख दीजिएगा वी, और जो वी रहेगा वो क्या रहेगा, वो कैपिटल लेटर से लिखा रहेगा। ओके, अब चलिए और आगे। अब देखिए, बात करते हैं चौथे नंबर का जो कि है मोटर। अब चलिए इसे बात करते हैं, इसे आप लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप लोग सेम काम करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे। ओके, उसके बाद आप लोग दो स्ट्रेट लाइन खींचेंगे और अंदर लिख देंगे एम। एम जो रहेगा आपका क्या रहेगा, कैपिटल लेटर से रहेगा। ओके, और चलिए और आगे चलते हैं। अब देखिए, पांचवें नंबर पे हम लोग आते हैं इंडिकेटर, इंडक्टर। ओके, इंडक्टर। अब चलिए बात करते हैं इसको आप लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो देखिए, आप लोगों को यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ले जाना है और फिर आपको यू 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 करते करते फिर आपको स्ट्रेट लाइन ऐसे खींच देना है और आप लोगों का इंडक्टर तैयार हो गया। अब देखिए, एक और आप लोग काम कर सकते हैं, फिर आप लोग एक स्ट्रेट लाइन खींचेगा और यू को जो है बच्चों यू आप लोग लिखिएगा और यहाँ पे थोड़ा गैप 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 देते देते फिर एक लाइन खींच दीजिएगा, और ये दोनों जो है आप इन दोनों में से कोई भी बना सकते हैं, दोनों इंडक्टर के लिए सही है। ओके, और आगे चलते हैं। अब देखिए, छवें नंबर पर क्या आता है, छवें नंबर पर आता है हम लोग का स्विच। अब चलिए बात करते हैं स्विच को आप लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो देखिए, स्विच के लिए आप लोग दो स्ट्रेट लाइन खींचेंगे और दोनों पे एक एक पॉइंट लगा देंगे और एक लाइन और खींच के ऊपर दे देंगे, तो ये आपका ओपन स्विच का डायग्राम हो गया। और देखिए, फिर आप लोग दो लाइन खींचेंगे ऊपर एक नीचे और इन दोनों से एक लाइन और इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्लोज स्विच डायग्राम हो गया। ओके, अब चलिए और आगे चलते हैं। अब देखिए, सातवें नंबर पर हम लोग आता है लैंप। अब चलिए बात कर, अब देखिए इसको रिप्रेजेंट करने का तीन तरीका है। पहला देखिए, पहला आप लोगों को एक सर्कल बनाना है, सर्कल के नीचे सर्कल के अंदर आप लोग एक क्रॉस खींच दीजिएगा और आप लोगों का लैंप का रिप्रेजेंटेशन हो गया। या फिर आप लोग एक सर्कल बनाइएगा, फिर आप लोग दो स्ट्रेट लाइन लीजिएगा इसके कोने पे और दोनों स्ट्रेट लाइन पार कर फिर आप लोग ऊपर से स्ट्रेट लाइन छोटा छोटा पार दीजिएगा, ये भी आप लोगों का लैंप का रिप्रेजेंटेशन हो गया। ओके, अब चलिए और आगे चलते हैं। अब देखिए, आप लोग फिर एक लैंप को और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर आप लोग एक सर्कल पारिएगा, फिर आप लोग दो स्ट्रेट लाइन, देखिए दो स्ट्रेट लाइन खींचेगा और उसके बाद आप लोग एक ओ की तरह आधा ओ पार दीजिएगा, तो ये भी आप लोगों का लैंप का रिप्रेजेंटेशन हो गया। ओके, और आगे चलते हैं। अब देखिए, अगला आता है कैपेसिटर। अब चलिए बात करते हैं कैपेसिटर को आप लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। इसको आप लोग दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला देखिए, पहले आप लोग सीधे की तरफ दो लाइन खींचेंगे, फिर आप लोग पहले आप लोग सीधा दो लाइन खींचे और आप लोग इस तरीके से छोटा छोटा दोनों तरफ लाइन खींच देना है जैसे यहाँ पे खींचा हुआ है, और ये आप लोगों का कैपेसिटर का रिप्रेजेंटेशन हो गया। एक और आप लोग दिखा सकते हैं, जैसे ये फिर आपको दो लाइन खींचना है, एक लाइन आप लोग, अब देखिए दो लाइन ऐसे खींचेगा, अब एक लाइन आप लोग सीधा खींचेगा और एक लाइन जो रहेगा इधर वाली ये कर्व रहेगा। ओके, और जो ये कर्व रहेगा ये आपका क्या होगा, निगेटिव होगा, और ये जो रहेगा स्ट्रेट वाली आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ओके, और आगे चलते हैं। अब देखिए, अब चलिए बात करते हैं ट्रांसफॉर्मर की। जो आप लोगों का ट्रांसफॉर्मर होता है उसको आप लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको भी रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। या तो फिर आप लोग ऐसे एक स्ट्रेट लाइन खींचे और नीचे लाकर यू 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 बनाकर फिर आप लोग नीचे स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए और सेम, अब देखिए फिर आपको स्ट्रेट लाइन करना है, ये आपने ऐसे ऐसे यू बनाया है तो अब आपको ऐसे ऐसे यू बनाकर स्ट्रेट लाइन खींच देना है, और ये आप लोगों का ट्रांसफॉर्मर का रिप्रेजेंटेशन हो गया। या फिर आप लोग एक और काम कर सकते हैं, फिर आप लोग सेम यहाँ तक तो आप लोग कर दिए, ठीक है, एक उल्टा और एक सीधा यू बनाकर स्ट्रेट लाइन की मदद से और आप लोग बीच में दो स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए, ये भी आप लोगों का ट्रांसफॉर्मर का रिप्रेजेंटेशन ही होता है। ओके, और आगे चलते हैं। अब देखिए, अब चलिए बात करते हैं ग्राउंड का, यानी जमीन का। जमीन को आप लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसके लिए आप लोग स्ट्रेट लाइन खींचेगा, स्ट्रेट लाइन लग लंबा खींचे, फिर देखिए फिर आपको ऐसे एक बड़ा सा लाइन खींचना है, उसके नीचे एक छोटा 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 जितना छोटा कर सके उतना छोटा करते करते ले जाएगा, वो सब आपका क्या हो जाएगा, ग्राउंड का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। ओके, और आगे चलते हैं। अब चलिए बात करते हैं जो आपका डीसी वोल्टेज होता है उसको आप लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसके लिए देखिए, आप लोग दो स्ट्रेट लाइन लीजिएगा, ऐसे खींचेगा, फिर आप लोगों को उस स्ट्रेट लाइन के जो कोना आएगा वहाँ पे आप लोग ऐसे खींचेगा, जैसे यहाँ पे देखिए ऐसे ले गया, फिर ऐसे, और जो एक तरफ का नेगेटिव वाला साइड होगा उसको आप लोग छोटा रखिएगा जो कि लंबा में खींचा गया है, और जो इधर वाला है उसको थोड़ा लंबा रखिए जो कि पॉजिटिव साइड वाला है। ओके, अब चलिए हम लोग लास्ट चलते हैं। अब देखिए, लास्ट हम लोग आ जाए डायोड। अब चलिए बात करें डायोड को आप लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए, इसके लिए आप लोग स्ट्रेट लाइन खींचेंगे और यहाँ पे आप लोग एक ट्रायंगल बना देंगे। ओके,
यहाँ तक हो गया। फिर देखिए, फिर आप लोग यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे और यहाँ पे फिर एक लाइन खींच देंगे और ये आप लोगों का डायोड का रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है बच्चों, अब चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अब चलिए हम लोग बात करते हैं ओम्स लॉ के बारे में। तो देखिए ओम्स लॉ में हमारे क्या आते हैं, द करंट पासिंग थ्रू अ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि वोल्टेज। ओके, अब इसका मतलब समझिए। अब देखिए जो आप लोगों का करंट पास होता है किसी भी सर्किट में वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके पोटेंशियल डिफरेंस के। ओके, अब देखिए मैंने यहाँ पे वही लिखा है पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। ओके, अब देखिए मैंने इसका आपको यूनिट लिख दिया, जो भी होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के। ओके, अब देखिए जो भी है वह इक्वल हो जाएगा आई आर के, यानी आई इंटू आर आई आर। ओके, अब देखिए आई आर का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक करंट इनटू आपका रेसिस्टेंस। अब देखिए आर का मतलब यहाँ क्या है, आर जो है बच्चों ये यहाँ पे कांस्टेंट है जो कि किसी भी कंडक्टर का हो, और इसी को हम लोग रेसिस्टेंस कहते हैं। ओके, अब चलिए और आगे चलते हैं। अब देखिए यह वैलिड कब करेगा ओम्स लॉ, जब आप लोगों का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तब आप लोग ओम्स लॉ को लगा सकते हैं। ओके, अब देखिए यदि इफ टेम्परेचर चेंज इन रेसिस्टेंस ऑल्सो चेंज, यानी कि अगर आप लोगों का टेम्परेचर यानी तापमान अगर चेंज हो तो आप लोगों का जो ये रेसिस्टेंस है वह भी चेंज होगा। ओके, अब देखिए जिसकी वजह से क्या होगा, जो आपका ओम्स लॉ है उसमें भी चेंज आएगा। ओके, अब चलिए अब देखिए ये आप लोगों को फॉर्मूला याद करने के लिए एक मैंने डायग्राम बनाया है। ये देखिए ऐसे आप लोग एक ट्रायंगल बनाना है और उसमें एक लाइन सीधा और ऐसे एक लाइन खींच देना है। ओके, और आपको इसमें सबसे ऊपर लिखना है भी, नीचे वाले में आई और फिर आपको लिखना है आर। ओके, अब देखिए यार इतना लिखने के बाद आप लोगों को भी को जब घेरेंगे तो आप लोगों का बच जाएगा आई आर, यानी कि भी इज इक्वल टू आई आर। ये हो गया आपका पहला फॉर्मूला। अब देखिए दूसरे पे आ जाइए, अब देखिए भी फिर आर फिर आई लिखना। अब आप लोग आई को गोल से घेर दीजिए तो आई इज इक्वल टू, अब देखिए आई अपन यहाँ पर वी ऊपर है नीचे आर है तो वी अपन आर, आई इज इक्वल टू वी अपन आर। ये हो गया आपका दूसरा फॉर्मूला। अब चलिए अगले पे, अब देखिए फिर आप लोग हम लोगों का वी हो गया आई हो गया, अब हम लोग का आर बचा तो अब आर को भी आप लोग सर्कल कर लीजिए तो आर इज इक्वल टू, अब देखिए क्या बचा वी अपन आई तो वी अपन आई। ये हो गया आप लोगों का तीसरा फॉर्मूला। ओके, अब चलिए बच्चों हम लोग चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अब चलिए हम समझते हैं कि रेसिस्टेंस होता क्या है। तो देखिए समथिंग दैट अपोज द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। इसका क्या मतलब, कोई भी चीज़ जो आपके फ्लो ऑफ करंट को रोक के उसी को हम रेसिस्टेंस कहते हैं। ओके, अब चलिए अब देखिए आप लोगों को जो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला था वो है आर इज इक्वल टू आई बाई वी। ओके, अब देखिए जो आर है यहाँ पे इसका मतलब है रेसिस्टेंस, और जो यहाँ पे आई है इसका मतलब है इलेक्ट्रिक करंट, एंड जो आपका वी है यहाँ पे इसका मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, अब चलिए आगे, अब देखिए अब चलिए बात करते हैं जो आपका रेसिस्टेंस होता है उसका हम लोग का एसआई यूनिट क्या होता है। तो उसका एसआई यूनिट होता है हम लोग का ओम। अब देखिए ओम को आप लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, पहले आप लोग ऐसे 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 आप लोग ओम को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब चलिए और आगे चलते हैं। अब देखिए द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस विच इज यूज टू अपोज, अब देखिए जो आप लोग इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूज करते हैं उसको विच इज यूज टू अपोज अपोज द करंट, अब उसमें जो आप लोग करंट को रोकने के लिए यूज करते हैं वह होता है आप लोगों का रेसिस्टर। ओके, अब चलिए अब आगे देखिए, अब बात करते हैं जो आपका वेरिएबल रेसिस्टेंस होता है, वेरिएबल रेसिस्टेंस इज द कंपोनेंट यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज करंट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज, यानी कि क्या आप देखिए जो वेरिएबल रेसिस्टेंस होता है उसको आप लोग रियोस्टेंट एक आपका डिवाइस है जिसकी मदद से आप लोग किसी भी कंपोनेंट का जो आपका करंट है उसको आप लोग बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं बिना वोल्टेज को चेंज किए हुए। ओके, अब चलिए और आगे चलते हैं। अब चलिए बात करते हैं कौन कौन से फैक्टर्स है जिससे जो रेसिस्टेंस है वो अफेक्ट करता है। तो देखिए इसमें हमारे चार फैक्टर आते हैं, पहला हम लोग को जाता है लेंथ ऑफ कंडक्टर, दूसरा हम लोग को जाता है एरिया ऑफ क्लोज सेक्शन, फिर तीसरा हम लोग को जाता है नेचर ऑफ मटेरियल, एंड लास्ट हम लोग को जाता है टेम्परेचर। ओके, अब चलिए हम लोग एक एक करके इन सबको समझते हैं। अब देखिए लेंथ ऑफ कंडक्टर कैसे करेगा, तो एग्जाम्पल लिखिए अगर जो आपका वायर है, अगर वो मान लीजिए आपका वायर जो है वो 10 सेंटीमीटर का है, और फिर आप एक और वायर लीजिए जो कि आपका 2 सेंटीमीटर का है। ओके, अब देखिए अगर वायर का आपका लंबाई ज़्यादा है तो आपका जो रेसिस्टेंस है वह भी ज़्यादा होगा, अगर वायर का लंबाई ज़्यादा है तो रेसिस्टेंस ज़्यादा। ओके, अब देखिए अगर आपका जो वायर है उसका जो लंबाई है अगर वह छोटा है तो आपका जो रेसिस्टेंस है वह भी आपका छोटा रहेगा। ये हुआ रेंट ऑफ कंडक्टर का मतलब। अब चलिए हम समझते हैं इसके दूसरे पे। अब चलिए बात करते हैं एरिया ऑफ क्लोज सेक्शन का क्या मतलब है। अब देखिए आप लोग वायर देखते होंगे, कितने वायर, कोई कोई वायर मोटे होते हैं और कोई कोई वायर पतले होते हैं। अब देखिए जो आप लोगों के घर में वायर होता है वह जनरली पतला ही होता है, और जो आप लोग पोल पे देखते होंगे जो ब्लैक कलर का तार बहुत मोटा मोटा होता है। तो देखिए जो आप लोगों का मोटा तार रहेगा उसका जो रेसिस्टेंस रहता है वह कम रहता है। ओके, और जो आप लोगों के घर में पतले पतले तार आते हैं उसका जो रेसिस्टेंस होता है वह ज़्यादा होता है। ओके, अब चलिए और आगे चलते हैं। ये आप लोग समझिए एरिया ऑफ क्लोज सेक्शन का मतलब क्या। अब चलिए और देखते हैं, अब चलिए बात करते हैं नेचर ऑफ मटेरियल का क्या मतलब है। अब देखिए अब जो आपका वायर है वह किस चीज़ से मिलकर बना है यह भी डिपेंड करता है। अब देखिए अगर जो आपका वायर अगर वह सिल्वर और कॉपर से मिलकर बना है तो जो आपका रेसिस्टेंस होगा वह कम रहेगा। ओके, और देखिए अगर आपका वायर जो है वह टंगस्टन से मिलकर बना है तो जो आपका रेसिस्टेंस होगा बहुत ज़्यादा होगा। ओके, और आगे चलते हैं। अब देखिए जो सिल्वर है वह सिल्वर इज लोएस्ट रेसिस्टेंस अमंग ऑल एलिमेंट्स। आप समझिए इसका मतलब क्या होगा, जो आपका सिल्वर है वह सबसे कम रेसिस्टेंस होता है आपके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसमें से। ओके, अब देखिए और देखिए हम लोग का टेम्परेचर अब कैसे। अब देखिए अगर आपका टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो जो आपका रेसिस्टेंस है वह भी ज़्यादा होगा। एग्जांपल देखिए जैसे मान लीजिए कि अगर आप कहीं रहते हैं और वहाँ का टेम्परेचर आपका 50 डिग्री सेल्सियस, और फिर आप लोग एक जगह घूमने गए जहाँ का टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस, तो जहाँ पर आपका 50 डिग्री सेल्सियस है वहाँ पर जो आपका रेसिस्टेंस है वह ज़्यादा रहेगा। ओके, और देखिए जहाँ पर आप लोग घूमने गए वहाँ पर आपका टेम्परेचर कितना 10 डिग्री है, तो यहाँ पर जो आपका रेसिस्टेंस रहेगा वह कम रहेगा।
ओके अब चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अब चलिए हम लोग समझते हैं कि रेसिस्टिविटी क्या होता है। तो देखिए रेसिस्टिविटी का ये डिफिनेशन है, अब समझते हैं ये डिफिनेशन कहता क्या है। तो देखिए इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड यूनिट रेंज इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो देखिए किसी भी कंडक्टर का जो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस होता है वह उसके यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया और उसके यूनिट चार्ज को हम लोग रेसिस्टिविटी कहते हैं। ओके अब देखिए इसी से आप लोगों को एक फॉर्मूला निकला है जो कि आर इज इक्वल टू पी इनटू एल अपॉन ए। ठीक है अब देखिए जो यहाँ पे पी है इसका क्या मतलब, पी का मतलब होता है आर एच ओ लोहो। ओके अब देखिए लोहो जो ये क्या है, ये एक अपना कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शनलिटी है, उसके साथ ही इसको हम लोग इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी भी कहते हैं। ओके अब चलिए अब बात करते हैं जो आपका रेसिस्टिविटी है उसका एसआई यूनिट क्या होता है। तो उसका एसआई यूनिट हम लोग का होता है ओम। ओके अब चलिए अब बात करते हैं और आगे का पॉइंट। तो देखिए रेसिस्टिविटी ऑल्सो इंक्रीजेज इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज, इसका क्या मतलब, अगर आप लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आप लोगों का जो रेसिस्टिविटी है वह भी बढ़ेगा, और अगर आप लोग टेम्परेचर घटाएंगे तो जो आपका रेसिस्टिविटी है वह भी घटेगा। ओके और चलिए हम चलते हैं और आगे। अब देखिए अब बात करते हैं इंसुलेटर का। अब देखिए अगर आपका जो इंसुलेटर है उसका रेसिस्टेंस भी ज़्यादा होता है, उसके साथ जो आपका उसका रेसिस्टर होता है वह भी ज़्यादा होता है। ओके अब देखिए अब बात करते हैं कंडक्टर का। तो देखिए कंडक्टर है लो रेसिस्टेंस एंड लो रेसिस्टर। ओके अब चलिए लो रेसिस्टर नहीं बच्चों, यहाँ पे हम लोग हो जाएगा रेसिस्टिविटी, लो रेसिस्टिविटी। ओके अब देखिए जो आप लोगों का कंडक्टर होता है उसका क्या, उसका रेसिस्टेंस भी कम होता है और उसके साथ रेसिस्टिविटी भी उसकी कम होती है। ओके अब चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर का। तो देखिए जो आपका कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर होता है वो दो तरीके का होता है, पहला होता है आप लोगों का सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा होता है हम लोग का पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके अब चलिए हम लोग एक एक करके दोनों को समझते हैं। तो देखिए जो आपका रेसिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसका फिगर आप लोगों का कुछ इस तरीके से होता है, आप लोग एक प्लस एक माइनस ले लीजिए यानी बैटरी लीजिए और इसको ऐसे जोड़ लीजिए और ऐसे सर्किट बनाइए। ये देखिए आपका पहला रेसिस्टेंस, ये आपका दूसरा रेसिस्टेंस और ये आपका तीसरा रेसिस्टेंस, और ये देखिए आप लोग एक सीरीज में कंबाइन होते जा रहा है, तो इसी को हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। ओके अब देखिए इसमें आपको कुछ पॉइंट्स आते हैं। अब देखिए सेम करंट फ्लो थ्रू इच रेसिस्टर, यानी कि ये जो आपका पहला रेसिस्टर R1 है, R2 है और R3 है, इन तीनों में जो आपका करंट होगा वह सेम फ्लो करेगा। ओके अब चलिए अब देखिए अब बात करते हैं वोल्टेज विल बी सम ऑफ ऑल वोल्टेज अक्रॉस इच रेसिस्टर, यानी कि इन तीनों रेसिस्टर का जब आप लोगों का जो वोल्टेज है उन तीनों रेसिस्टर का जब आप लोग सम निकालेंगे इन तीनों रेसिस्टर को जोड़कर तो जो सम आएगा वो आपका वोल्टेज आएगा। ओके अब चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए ओम्स लॉ कैन बी अप्लाई टू दिस कॉम्बिनेशन। अब देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में आप लोग ओम्स लॉ को भी अप्लाई कर सकते हैं, किसके लिए, टू फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टर, इक्विवेलेंट रेसिस्टर को फाइंड करने के लिए। ठीक है अब देखिए तो चलिए हम लोग अप्लाई किए, तो देखिए जो आपका इक्विवेलेंट रेसिस्टर होता है उसको हम लोग आर एस से रिप्रेजेंट करते हैं इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके अब देखिए तो हम लोग का फॉर्मूला निकल जाता है आर एस इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। ओके अब देखिए ये देखिए जो आपका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होता है जो कि आर एस इज ऑलवेज ग्रेटर देन, यह हमेशा बड़ा होता है इच इंडिविजुअल रेसिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, हर एक रेसिस्टेंस जो कि सीरीज कॉम्बिनेशन में ज्वाइन रहते हैं, यानी अब देखिए जो इक्विवेलेंट रेसिस्टर है वो आर वन से भी ज्यादा रहेगा, इक्विवेलेंट जो रेसिस्टर है वो आर टू से भी ज्यादा रहेगा, और इक्विवेलेंट जो रेसिस्टर है वो आप लोगों का आर थ्री से भी ज्यादा रहेगा। ओके अब चलिए हम लोग बात करते हैं आप लोगों का पैरेलल कॉम्बिनेशन का। अब चलिए हम लोग बात करते हैं रेसिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो देखिए जो आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है आपका कुछ इस तरीके का फिगर होता है, तो फिगर में आपका एक सीएल और यहाँ पर जो आर वन है या आर टू और आर थ्री, यह तीनों क्या है एक दूसरे के पैरेलल है, तो ऐसा ही आप लोगों का पैरेलल कॉम्बिनेशन का एक फिगर होता है। ओके अब चलिए अब देखिए जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स अक्रॉस रेसिस्टेंस आर सेम, इसका क्या मतलब हुआ, यानी जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है किसी भी दो पॉइंट के रेसिस्टर का वह सेम होता है। ओके अब चलिए अब देखिए दूसरा पॉइंट, देयर विल बी डिफरेंट करंट फ्लोइंग थ्रू इच रेसिस्टर, इसका क्या मतलब हुआ, तो देखिए यहाँ पे आपका आर वन रेसिस्टेंस है, आर टू रेसिस्टेंस और आर थ्री रेसिस्टेंस है, तो इन तीनों में जो आपका करंट है वह अलग अलग आपका फ्लो हो सकता है, किसी में 15 वाट का करंट फ्लो हो सकता है, किसी में 20 वाट का करंट फ्लो हो सकता है, किसी में 50 वाट का करंट फ्लो हो सकता है। ओके अब चलिए बात करते हैं इक्विवेलेंट रेसिस्टर जिसे हम लोग आरपी से जॉइंट करते हैं इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो देखिए इसका हम लोग का फॉर्मूला निकल जाता है 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ओके अब चलिए अब देखिए आगे इक्विवेलेंट रेसिस्टर ऑफ रेसिस्टर, यानी कि जो आपका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होता है किसी भी रेसिस्टर का इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, किसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इज ऑलवेज लेस देन, वह हमेशा छोटा रहता है इंडिविजुअल रेसिस्टेंस के, जो या कोई पहला रेसिस्टर इसके हमेशा छोटा रहता है। ओके अब देखिए इसका क्या मतलब, यानी कि जो आपका आरपी है वो छोटा रहेगा आर1 से, यानी इससे छोटा रहेगा, जो आपका ये आरपी है ये भी छोटा रहेगा किससे, आर2 से, इससे छोटा रहेगा, और ये जो आपका आरपी है ये भी छोटा रहेगा किससे, R3 से छोटा रहेगा। ओके अब चलिए बात करते हैं जो आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसका क्या क्या एडवांटेज है। तो देखिए इसके दो एडवांटेज है, पहला हम लोग का एडवांटेज है इच अप्लायंस गेट फुल वोल्टेज, यानी कि जितने भी अप्लायंस होते हैं आपका रेफ्रिजरेटर हो गया, फ्रिज हो गया, लैपटॉप हो गया, स्मार्ट टीवी हो गया, ये सब जो है आपका किसे कॉम्बिनेशन होते हैं, ये सब आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन होते हैं, जिस कारण जो आपका वोल्टेज होता है उन सभी को फुल मिल पाता है, फुल वोल्टेज मिल पाता है। ओके अब देखिए दूसरा समझिए, इफ वन अप्लायंस स्विच ऑफ अदर्स आर नॉट अफेक्टेड, यानी कि अगर आप लोग किसी एक का बंद भी कर दिए स्विच तो और भी क्या है अप्लायंस है उन लोगों को कोई इफेक्ट नहीं पहुंचेगा। एग्जांपल समझिए, जैसे कि आप लोगों का घर में पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा हुआ है। ओके अब चलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा हुआ है तो आप लोगों के घर में अभी स्मार्ट टीवी और फ्रिज चल रहा है, तो आप लोग जाकर फ्रिज का स्विच बंद कर लीजिए, स्मार्ट टीवी कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। ओके अब देखिए वहीं अगर आप लोगों का अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में घर में जुड़ा होता तो आप लोगों के घर में मान लीजिए एक टीवी चला हो, एक स्मार्ट टीवी चला हो और एक रेफ्रिजरेटर चला हो, तो आप लोग जाकर टीवी बंद कर लीजिए तो आपका रेफ्रिजरेटर है वो भी बंद हो जाएगा। ये जो है यह डिसएडवांटेज होता है आप लोगों के सीरीज कॉम्बिनेशन का। ओके अब चलिए हम लोग
चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अब देखिए अगला टॉपिक हम लोग आया था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिए इसमें क्या था, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ कंडक्टर इट जनरेट्स हीट ड्यू टू रेजिस्टेंस। इसका क्या मतलब, तो देखिए जब आपका इलेक्ट्रिक करंट किसी भी कंडक्टर से पास होता है तब वहाँ क्या, तो वहाँ पे हीट जनरेट होता है। वह किसकी वजह से होता है, तो वहाँ पर रेजिस्टेंस की वजह से होता है। ठीक है, अब चलिए अब देखिए जो आपका आर है वो किसके बराबर होता है, वी इंटू क्यू के बराबर होता है। ओके, अब चलिए हम समझते हैं कि पावर क्या होता है। तो देखिए द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। इसका क्या मतलब हुआ, तो देखिए किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जो आप लोगों का एनर्जी होता है, एनर्जी है उसका किस रेट से कंज्यूम किया जा रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। ओके, अब देखिए जो आपका पावर है उसका फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपन टाइम। ठीक है, वर्क डन क्या यूनिट क्या होता है, v इंटू क्यू। वर्क डन इज इक्वल टू v इंटू क्यू बाई टी। अब देखिए v इंटू क्यू बाई टी, v को आप लोग बाहर लिख सकते हैं v इंटू क्यू अपन टी, और ये किसके बराबर होता है, v i के बराबर होता है। ओके, अब चलिए अब इसकी मदद से हम लोग इसका जो फॉर्मूला है उसको हम डिराइव करेंगे। तो देखिए आप लोग जानते हैं हीट क्या होता है, हीट जो होता है वो पावर इंटू टाइम के बराबर होता है। तो देखिए जो आपका पावर है वह आपका किसके बराबर है, वी आई के बराबर, तो वी आई इंटू टाइम का यूनिट क्या होता है, टी। ठीक है, अब देखिए वी इंटू, अब देखिए जो आपका यहाँ देखिए जो वी है किसके बराबर है, आप लोगों का आई आर के बराबर है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया वी इज इक्वल टू आई आर इंटू, अब देखिए यहाँ का आई हमें बचा हुआ है, तो आई इंटू अब टी का टी। ओके, अब देखिए आप लोग यहाँ लिख सकते हैं आई इंटू आई क्या होगा, हम लोग का आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। ये हो गया आप लोगों का डिराइव पावर का फॉर्मूला। अब चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले टॉपिक। हमारा अगला टॉपिक आ जाता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब देखिए ये क्या कहता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग हीट प्रोड्यूस। अब देखिए ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जिससे हीट प्रोड्यूस होता है, तो हमारे तीन फैक्टर है, पहला होता है करंट इन कंडक्टर, दूसरा होता है हम लोग का रेजिस्टेंस, और तीसरा होता है टाइम। अब चलिए हम लोग एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं करंट इन कंडक्टर, ये कैसे, तो देखिए अगर आपका जो करंट है वो अगर बढ़ेगा तो जो आपका हीट है वो भी बढ़ेगा। कैसे, एग्जांपल देखिए जैसे कि आप लोगों का जो ट्रांसफर होता है, ट्रांसफार्मर होता है, उसमें जो आपका वायर होता है उसमें जब आपका जो करंट होता है वो अगर ज़्यादा फ्लो करे तो आप लोग देखेंगे जो आपका वायर होता है वह गर्म हो जाता है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब है जो आपका हीट होता है वह किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, स्क्वायर ऑफ करंट के। ओके, यानी कि एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई का स्क्वायर। ओके, अब चलिए बात करते हैं रेसिस्टेंस की। अब देखिए अगर आपका जो रेसिस्टेंस अगर वह बढ़ेगा तो जो आपका हीट है वह भी बढ़ेगा। ओके, तो इसका क्या मतलब है, हीट भी जो है वह भी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आप लोगों के रेसिस्टेंस के। ओके, अब चलिए बात करते हैं टाइम पे। तो देखिए जो आपका टाइम है, जो आपका अगर टाइम भी क्या होता है, टाइम भी जो आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हीट के, या फिर यू कह जो आपका हीट होता है वह भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। इसका क्या मतलब, इसको भी चलिए आपको एक एग्जांपल से मैं समझाता हूं। जैसे किसी वायर में ज़्यादा डेल्टा करंट चलता है, यानी कि कोई भी एक वायर है उसमें अगर करंट लगातार फ्लो कर रहा है तो वह वायर क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। जैसे कि आप लोग स्मार्टफोन चलाते हैं और स्मार्टफोन लंबे समय तक यूज करते करते वह स्मार्टफोन भी गर्म हो जाता है, स्पेशली जब हम लोग पबजी खेलते हैं। ओके, तो ये हो गया आप लोगों का फैक्टर्स अफेक्टिंग हीट प्रोड्यूस। अब चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक हम लोग आ जाता है इलेक्ट्रिक बल्ब। अब चलिए इसमें हम लोग कुछ टॉपिक देख लेते हैं। तो देखिए इसमें पहला क्या आता है, द फिलामेंट ऑफ बल्ब इज मेड अप ऑफ टंगस्टन, यानी कि जो बल्ब का वो फिलामेंट होता है वह किससे बना रहता है, टंगस्टन के बना होता है। अब देखिए जो आपका टंगस्टन होता है, टंगस्टन हैज वेरी मेल्टिंग पॉइंट 3380 डिग्री सेल्सियस। इसका क्या मतलब, जो आप लोगों का टंगस्टन होता है उसका बहुत ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी कि वह नॉर्मली पिघल नहीं सकता, उसका करीब 3380 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जब वह पहुंचेगा तब वह पिघलना चालू होगा। ओके, क्या, टंगस्टन। अब देखिए बल्ब के अंदर आपका नाइट्रोजन और आर्गन गैस मौजूद होता है। अब देखिए यह क्या करता है, यह जो बल्ब है उसके अब देखिए होती है जो बल्ब के वायर को, अब देखिए जो आपका बल्ब है उसका वायर जो होता है उसको जलने नहीं देता है। ओके, ये था आप लोगों का इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। अब चलिए हम लोग चलते हैं इसके लास्ट टॉपिक पे। अब चलिए हम लोग आखिरी टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक पावर। अब चलिए हम लोग इसे भी समझते हैं। तो देखिए द रेट ऑफ विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। अब इसी का मतलब क्या हुआ, इसे समझते हैं। तो देखिए जो आप लोग का इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है वह किस रेट से कंज्यूम किया जा रहा है उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। ओके, अब चलिए अब बात करते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए पी इज इक्वल टू वी आई, वी आई को आप लोग आई स्क्वायर इंटू आर लिख सकते हैं। अब देखिए इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं वी स्क्वायर अपन आर, तो आप लोगों का ये होगा इसका फॉर्मूला। ओके, अब चलिए अब देखिए जो ऐसा यूनिट होता है इलेक्ट्रिक पावर का वह क्या होता है, हम लोग का वाट होता है, और वाट को हम लोग कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। ओके, अब चलिए अब देखिए ऑन लार्ज स्केल वी मेजर इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक पावर एज किलोवाट, यानी क्या, हम लोग लंबे स्तर पर जो आपका इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक पावर कह लीजिए उसे हम लोग मेजर करते हैं कैसे, तो किलोवाट पे। अब देखिए जो आपका 1000 जो आपका 1 किलोवाट है वो आपके 1000 वाट के बराबर होता है। ओके, अब चलिए अब देखिए एनर्जी इज काउंटेड इन, अब देखिए एनर्जी को काउंट किया जाता है पी इंटू टी के फॉर्म में, सो द यूनिट वी यूज टू मेजर, अब देखिए जिस कारण जो हम लोग यूनिट लेते हैं मेजर करने के एनर्जी का, एनर्जी कंजप्शन का, वह होता है कमर्शियल यानी कमाने वाले जो होते हैं इंडस्ट्री वगैरह उनमें किलोवाट आवर। ओके, अब चलिए अब देखिए 1 किलोवाट आवर का क्या मतलब है, 1000 वाट इंटू 1 घंटे में इज इक्वल टू 1 मिनट, यानी 1000 वाट इंटू 3600 सेकंड। अब देखिए 1000 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 × 10⁶ वाट सेकंड। ओके, यानी कि इज इक्वल टू 3.6 × 10⁶ जूल। ओके बच्चों, तो यहाँ पे आप लोगों का पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। तो मैं बहुत ही खुश हूँ कि आज मैंने आपको पूरा का पूरा इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा दिया। तो मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक करिए बाय बाय।